हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की जो बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका 7th चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और ये 3 पार्ट में है। जो फर्स्ट पार्ट है अबेकर फ्रॉम गोवा, और सेकंड पार्ट है कुर्ग, और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, उसको करेंगे आज। तो कुर्ग को जो चैप्टर है, इसको रीड करने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ी समरी बता देता हूँ। कुर्ग जो ये जो चैप्टर है, ये इससे कहानी जो है कुर्ग के बारे में है। कुर्ग है क्या? कुर्ग एक जो है ये मैसूर और जो मैंगलोर है इसके बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, जिसको कि राइटर कहता है कि ज़रूर ये भगवान देवता उनके स्थान से कहीं भटक के आ गया है। और ये जो पीस ऑफ लैंड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये एक जो है ये कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, बहुत छोटा ज़िला है। और इसकी जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो देखते ही बनती है। और यहाँ पर सदाबहार जंगल हैं, और यहाँ पर जो है मसालों के, स्पाइसेस के यहाँ पर बगीचे हैं, बागान हैं। और यहाँ का जो मॉनसून है वो बहुत ही प्लेजेंट है। यहाँ बारिश होती रहती है एंड थ्रू आउट द ईयर। और जो राइटर है वो कहता है कि अगर इसको विजिट करना है इस प्लेस को, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो समय है वो सितंबर और मार्च तक है, यानी सितंबर से लेकर मार्च के बीच में यहाँ पर आप जा सकते हैं, क्योंकि उस समय जो वेदर है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और यहाँ की जो हवा है, उस हवा के अंदर जो जो एनर्जी है, इसकी जो महक है बागानों की, कॉफ़ी प्लांट्स की और कॉफ़ी के जो बगीचे हैं उनकी जो महक है वो उसके अंदर भरी हुई होती है, जो कि एक एनर्जी प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पर जो है कुर्ग के अंदर, यहाँ पर जो ये जो कुर्ग या कोडागु भी कहते हैं इसे, यहाँ के अंदर, यहाँ पर इस स्थान के ऊपर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी बहादुर हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो हैं अरब के डिसेंडेंट हैं, यानी कि अरेबियन कंट्रीज से इनके पूर्वज आए थे। एक दूसरी जो सिद्धांत है, कथा है, उसके हिसाब से ये लोग जो हैं सिकंदर की जो आर्मी अपने देश में आई थी वो यहाँ पर आई थी, और वो लोग यहीं पर बस गए थे। जब उनके लिए वापस जाना इम्पॉसिबल हो गया था, और या रेलिवेंट नहीं था उनके लिए जाना, या फेवरेबल नहीं था, तो यहीं पर अपने देश में वो यहाँ पर सेटल हो गए थे। और उन्होंने यहीं लोकल्स में आपस में मैरिज वगैरह कर ली, और तब से लोग यहीं पर रहने लगे। तो राइटर ये भी कहता है कि जो लोग हैं कुर्ग के, जो लोग हैं जिनको कुर्गी पीपल कहा जाता है, उनके अरेबियन डिसेंडेंट होने के पीछे एक जो उनका जो पहनावा है, ठीक है, वो पहनावा इसके लिए इस बात का इंडिकेशन है, क्योंकि एक लंबा जो चोला पहनते हैं, जो कि अरेबियन कंट्रीज में लोग पहनते हैं, ऐसा ही ये लोग पहनते हैं। और ये लोग जो हैं हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाते हैं। इनके जो गेस्ट आते हैं इनके घर के ऊपर, तो ये उनका बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, उनका काफ़ी केयर करते हैं। और यहाँ पर जो है पानी की झील है, और वहाँ पर महासीर एक काइंड ऑफ फिश है, वहाँ पर पानी पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो दूसरे जानवर हैं, जैसे मंकीज़ हो गए आपके, गिलहरियाँ हैं, और इसके अलावा जो हैं तितलियाँ, इनके मधुमक्खियाँ, ये वातावरण में जो हैं घूमती रहती, उड़ती रहती हैं, जो कि इसकी ब्यूटी के अंदर चार चांद लगाते हैं। इस तरीके से आप जो है इसकी जो कुर्ग जो है इस प्लेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कुर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफी कंट्री है जो कि रेन फॉरेस्ट और अपने स्पाइसेस के लिए काफ़ी फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और जो मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है उसके बीच में यह है जो एक स्वर्ग का जो टुकड़ा है यहाँ पर बसा हुआ है। कुर्ग नाम का जो एक छोटा सा टुकड़ा है ये बसा हुआ है यहाँ पर, और ऐसा लगता है कि ये किसी
भगवान के किसी राज्य से भटक के यहाँ पर आ गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और ये रोलिंग हिल्स वाला जो जो प्रदेश है, यहाँ पर एक बहुत ही प्राउड प्रजाति जो कि काफ़ी मार्शल मैन है, काफ़ी जिनका युद्ध से पाला पड़ता रहता है, काफ़ी लड़ाकू जाति यहाँ पर एक रहती है। और यहाँ पर सुंदर औरतें और जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं ये यहाँ पर रहते हैं। तो मार्शल मैन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये जो लोग हैं ये अपने युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। कूर्ग अथवा कोडागु ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, सदाबहार जो वन हैं, और जो कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, उनके जो बगीचे हैं और जो स्पाइसेस हैं, उनका एक होम है, यानी कि हब है ये। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट का जो 30% है वहाँ पर ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि जो विजिटर्स हैं वो दूर रहते हैं, यानी कि विजिटर्स यहाँ पर आ नहीं पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो एन्जॉयमेंट का, जो आनंद का जो सीज़न है, वो कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होता है, सितंबर से स्टार्ट होता है और ये मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और उस समय जो मौसम जो है, वेदर बड़ा प्लेजेंट होता है, क्योंकि कुछ हल्की फुल्की बारिश होती है और उससे इसका नज़ारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी, और जो हवा है उसमें जो कॉफ़ी की एक ताजगी प्रदान करने वाली महक भरी हुई होती है, खुशबू भरी होती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और जो सबसे अच्छे जो कॉर्नर्स हैं, जो यहाँ पर जो लैंड है, भूमि है, वहाँ पर बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं जो कि कॉलोनियल बंगलाज हैं, यानी कि वो वहाँ पर एक के साथ एक इस तरीके से बने हुए हैं। और ये सभी जो वहाँ पर बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके नीचे ऐसे छुपे हुए हैं जैसे कैनोपी के नीचे किसी चीज़ को छुपाया जाता है, यानी कि पेड़ों की छाम जो शेडो है उसके अंदर ही छुपे हुए रहते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट। और जो फियर्सली का मतलब होता है टू मच, जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोग हैं कूर्ग के, वो पॉसिबली ग्रीक अथवा अरेबिक डिसेंडेंट हैं, यानी कि इनके जो पूर्वज हैं या तो अरब से आए थे, अरब कंट्री से, अरेबियन कंट्री से, या फिर ग्रीक से आए थे, इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की सेना जो आर्मी थी वो इस तट के साथ में आगे बढ़ रही थी और यहीं पर आकर के वो सेटल हो जाती है। जब उनका रिटर्न करना, वापस रिट्रीट करना, वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, तब यहीं पर वो सेटल हो गए थे। दिस पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और इन लोगों ने आपस में वहाँ लोकल जो स्थानीय लोग थे उनमें अपने शादी ब्याह इनका होता है वहाँ से, और इनकी जो कल्चर है इस बात ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो इनकी मार्शल ट्रेडिशंस हैं, जो इनकी लड़ने की जो परंपरा है, और इनके शादी ब्याह और जो इनके रिलीजियस जो धार्मिक संस्कार हैं, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि
ये लोग जो हैं ये अरेबियन कंट्रीज से या फिर ग्रीक से लोग आए हैं, विच आर डिस्टिंग, और जो कि हिंदू हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम है, जो ट्रेडिशन है, जो अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉर्ड, और अरेबियन कंट्रीज से इनका ओरिजिन की जो थ्योरी है उसको स्पोर्ट मिलता है इस बात से कि जो ब्लैक कोट पहनते हैं, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडाउज। कोडाउज लोग जो अरेबियन कंट्रीज के अंदर जो एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, कमर की एक कमर तक बेल्ट पहनते हैं और एक लंबा कोट पहनते हैं, उससे इस बात का पता चलता है कि इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो ज़रूर अरेबियन कंट्रीज से आए हैं। नोन एज कूपिया, इट रिजेंबल्स द कूपिया कूपिया कूफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। कुर्द्स और अरब के लोग जो कूफिया पहनते हैं उससे इनकी ड्रेस जो है, जो ये उनसे मैच करती है, जिसको एक कूपिया के नाम से जानते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गी जो लोग हैं वो हॉस्पिटैलिटी की वहाँ पर काफ़ी ट्रेडिशन है, और वो लोग जो हैं बहुत सारी जो कहानियाँ हैं उनको रिकाउंट करना, उनको बताना उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो साहस की भरी कहानियाँ जो इनके सन्स एंड फादर से रिलेटेड है। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी। और जो कूर्ग रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है और काफ़ी सम्माननीय है, और इसका जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का वो जनरल करियप्पा था और वो भी एक कुर्गी था। इवन नाउ कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और अभी भी कोडाउज ही एकमात्र ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको कि बिना किसी लाइसेंस के अस्त्र रखने के जो हैं इनको छूट है, यानी कि ये पिस्टल वगैरह रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। और यहाँ पर एक नदी बहती है कावेरी, और कावेरी को जो पानी मिलता है वो कूर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से इनको पानी मिलता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और इस पानी के अंदर एक महासीर नाम की एक बहुत बड़ी ताज़ा पानी की मछली है जो कि इस पानी के अंदर बहुतायत मिलती है। अबाउंड इन, अबाउंड इन का मतलब होता है टू बी इन प्लेंटी, यानी कि बड़ी मात्रा में ये मछलियाँ वहाँ पर मिलती हैं। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्रिल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिशीप ऑफ एन्जॉइंग द स्प्लाश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और जो किंग फिशर्स हैं, जो कि एक प्रकार का बर्ड है, वाटर बर्ड है, ये किंग फिशर डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और उसी दौरान जो गिलहरियां हैं और जो लंगूर हैं वो पार्शियली, पार्शियली का मतलब थोड़ा खाया हुआ, आंशिक रूप से खाया हुआ जो फल है, फ्रूट्स हैं, उनको मिसशीप के चलते वहाँ से ऊपर से गिरा देते हैं। जो स्वच्छ पानी है, बिल्कुल क्लियर वाटर है नीचे, उसमें वो ड्रॉप कर देते हैं नीचे ताकि स्प्लाश हो उससे, अथवा जो रिपल इफेक्ट होता है पानी के अंदर उससे एंजॉय करने के लिए उनको, उससे उनको एंजॉयमेंट मिलता है, इसके चलते वो शरारती ढंग से उनको नीचे गिरा देते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बींग बेथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और जो एलिफेंट्स हैं वो एंजॉय करते हैं अपने महावत्स के द्वारा,
उनको पानी के नदी के पानी में रगड़ रगड़ के नहलाए जाने का एन्जॉयमेंट करते हैं वो। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं, मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, यहाँ के जो सबसे ज़्यादा पुराने जो इंडिविजुअल्स हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, वो यहाँ की जो हाई एनर्जी एडवेंचर हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिस्की और एडवेंचर्स जो एक्टिविटीज़ हैं उनके आदि हो चुके हैं वो, रिवर राफ्टिंग, नाव चलाना, नाव नदी के अंदर, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, और रैपलिंग देखो यहाँ पर, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी की सहायता से किसी पहाड़ी से नीचे जाना, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन के ऊपर बाइकिंग चलाना, ये जो एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ हैं ये कुर्गी पीपल करते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है ये, और ये एडवेंचर्स लाइफ पसंद करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और बहुत सारे जो वॉकिंग ट्रेल्स हैं, जो पगडंडियाँ हैं, बहुत सारे इस क्षेत्र के अंदर वो काफ़ी फेवरेट हैं ट्रैकर्स के लिए, यानी कि ट्रैकर जो ट्रैकिंग के लोग जाते हैं वहाँ पर, उनकी पसंदीदा वो ट्रैक्स हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और यहाँ पर बटरफ्लाइज, मधुमक्खियाँ और पक्षी हैं, बर्ड्स हैं तुम्हारा साथ देने के लिए, यानी कि जो घूमने के लिए जाते हैं जो पर्यटक टूरिस्ट वगैरह, उनका साथ देने के लिए यहाँ पर ये मिल जाते हैं जानवर। एंड मैक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, और ये मैक्वीज, ये एक प्रकार के बंदर से रिलेटेड हैं सारे, ये मैकाक, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये मैकाक जो है ये एक प्रकार के अफ्रीकन लंगूर हैं, अफ्रीकन, और मालाबार जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, और जो पतले लोरिस हैं, लोरिस भी बंदर ही हैं, छोटे बंदर, ये ट्री कैनोपी से, जो पेड़ की जो छाया है, गहन जो डेंस जो शेडो है वहाँ ऊपर से ये वॉचफुल आई रखते हैं आने जाने वालों के ऊपर। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, और यहाँ जो नैरेटर है वो कहता है कि आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स से मैं थोड़ा सा हटके अलग रहती हूँ, एक तरफ रहती हूँ, यानी एक तरफ हट जाती है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, और ब्रह्मगिरी वहाँ पर एक पहाड़ी है, हिल्स है, वहाँ उसे देखने पर एक पैनोरामिक व्यू आपको नज़र आता है, एंटायर जो मिस्टी लैंडस्केप है कुर्ग का, जो धुंध भरा जो एक क्षेत्र है, भूभाग है, उसका एक पैनोरामिक व्यू, यानी कि एक वाइड एरिया को अगर एक साथ देखते हैं तो उसे पैनोरामिक व्यू बोलते हैं, वो आपको नज़र आता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64-acre आइलैंड ऑफ निसार्ग धाम, और एक 64-acre आइलैंड है जिसे निसर्ग धाम कहा जाता है, और वहाँ जाने के लिए एक लंबी रस्सी का बना हुआ एक ब्रिज है, उससे जाया जाता है वहाँ पर। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट अ नियर बाय बायलाकुपे इज़ ए बोनस, और वहाँ पर जाने पर, वहाँ पर यानी कि निसर्ग धाम पहुँचने पर, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट जो साधु सन्यासी भिक्षुक है, जो कि भारत के सबसे बड़े जो टिबेटन बस्ती, तिब्बती बस्ती है वहाँ पर, वहाँ पर हम ये भिक्षुक मिलते हैं बुद्धिस्ट, और जो पास में ही बायलाकुपे हैं उसको देखना भी एक बोनस की बात है। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज
that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. और जो monks हैं उनके लाल और ओकर मीन्स होता है गेरुए कपड़े, गेरुए रंग के कपड़े जो होते हैं वो, और येलो जो कपड़े हैं, इन कपड़ों में इनको देखना, इन वृक्षों को, ये उन कई सरप्राइजेज में एक है जो कि इन विजिटर्स के द्वारा डिस्कवर करने के लिए जो हैं रहते हैं. और वो विजिटर्स जो कि भारत की आत्मा और दिल को कूर्ग के अंदर ढूंढते हैं, तो वहाँ पर ये साधु संन्यासियों को जब देखते हैं, इन बुद्धिस्ट जो भिक्षुक हैं इनको देखते हैं, तो यहाँ पर कूर्ग के अंदर भारत की आत्मा और दिल के बारे में इनको पता चलता है, उन टूरिस्ट को पता चलता है कि यहाँ की जो आत्मा क्या है, भारत क्या है, भारत का जो मन और जो आत्मा है उसके बारे में पता चलता है. तो ये जो सेकंड पार्ट था कूर्ग वाला हमने कवर कर लिया है इसमें, ठीक है. तो बाद में हम करेंगे नेक्स्ट इससे अगला टी फ्रॉम आसाम, और अभी ये पूरा हो चुका है. आई होप कि आपको लाइन टू लाइन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है. फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं. मेरा मोबाइल नंबर है 9996279380, ठीक है. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.